नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले बड़े फेरबदल होने शुरू हो चुके हैं। इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी में नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब हाल ही में सिंधिया समर्थक नेता ने अपने घर में वापसी की बातें कही है, जिसके बाद अब तमाम जो विचारधाराएं हैं, तमाम बातें सामने आने लगी हैं, तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं। असंतुष्ट बीजेपी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक और नेता 14 जून को यानी कि आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक माने जाने वाले बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने के पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इस पोस्टर के वायरल होने के बाद बीजेपी ने बैजनाथ सिंह यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के महामंत्री भगवान दास समनानी की तरफ से दिए गए इस नोटिस में उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया पर आपके कांग्रेस में जाने की खबरें आई हैं, आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। बैजनाथ सिंह यादव बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। नोटिस के जवाब में बैजनाथ सिंह यादव ने कहा कि मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, इसीलिए नोटिस का जवाब देने का कोई अर्थ ही नहीं होता। उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि बीजेपी में आम कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं होती है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसीलिए वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो 14 जून को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब तक उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, अब से कुछ समय बाद या वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये बात भी कही गई कि भोपाल में पीसीसी कार्यालय में उनकी कांग्रेस में वापसी का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह शामिल हो सकते हैं और भी तमाम नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2020 में हुए दल बदल के चलते बैजनाथ सिंह यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में उन्हें केवल प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। सूत्रों का यह कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया महेंद्र सिंह यादव को कोलारस से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए बैजनाथ सिंह सिंधिया खेमे में पटरी नहीं बैठ रही। शिवपुरी में इनकी पहुंच काफी है। इसके साथ साथ सहकारिता की राजनीति में भी ये एक जाना पहचाना नाम है। खैर, राजनीति में अभी तमाम नेताओं के आने जाने का सिलसिला और तेज होगा। हर बड़ी जानकारी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।